हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना हम लेके। देखो आके इधर, देखो इधर, वो देखो, वो देखो, आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जा रहे हैं। इस मासूम की सिसकारियां सुनकर हर किसी का दिल पसी जाएगा, क्योंकि ये बच्चा मौत के मुंह से निकलकर वापस लौटा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक आम नागरिक की भी मौत हो गई, और वो आम नागरिक थे इस बच्चे के दादाजी। सेना के जवानों ने एनकाउंटर के बीच सोपोर में इस बच्चे को बचाया, लेकिन अपने दादाजी के साथ आया ये बच्चा दोबारा अपने दादाजी को अब नहीं देख पाएगा, क्योंकि आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में आतंकियों की गोली लगने से उनकी मौत हो गई। मृतक नागरिक 60 साल के बुजुर्ग थे। आतंकियों से गोलीबारी के बाद आई ये तस्वीर तेजी से वायरल है। जमीन पर शव पड़ा हुआ है, कपड़े खून से सने हैं, और वहीं मृत शख्स का 3 साल का पोता भी वहां मौजूद है। ये मासूम अपने दादा की लाश पर इस तरह से बैठा हुआ है जैसे शायद कभी वो उनकी गोद में खेलता होगा, लेकिन दादा का शरीर तो गोलियों से छलनी था और उनके कपड़े खून से लथपथ थे। ऐसे में वहां मौजूद पुलिस टीम के एक सदस्य ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर साइट से अलग किया। इससे पहले एक तस्वीर में ये बच्चा शव के पास ही मौजूद एक जवान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आतंकियों के खिलाफ पोजीशन लिए हुए ये जवान बच्चे को दूसरी तरफ जाने का इशारा करते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद जवान इस बच्चे को अपनी गाड़ियों में बैठाकर उसे सुरक्षित जगह पर ले गए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर सोपोर के बारामूला में बुधवार यानी कि आज सुबह आतंकियों ने पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर गोलीबारी की थी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी वहां से बच निकले। हमले के समय यहां एक आम नागरिक भी अपने बच्चों के साथ कार में मौजूद था, उसे भी गोली लग गई और बाद में उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।